केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड के लोगों को दिलाने और वार्ड में विकास के कार्यों को कराने का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विशाल दत्त ने मदन महल थाने के आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड से भाजपा प्रत्याशी ने मदन महल थाने के आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क कर मतदाताओं से मुलाकात कर उन्हें यकीन दिलाया कि जनता उन्हें अवसर प्रदान करेगी तो वो केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे और वार्ड में विकास की नई इबारत लिखेंगे। आज हम लोग ने यहाँ पे मदन महल क्षेत्र में जनसंपर्क किया, यहाँ लोगों से मुलाकात करी और उनकी समस्या के बारे में हमें पता चला। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे चल के हम इन समस्याओं को पूरा सॉल्व करें और लगातार लोगों से हमें इस वार्ड के सब बूथों से सब जगह से हमें अपार समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने ये ठाना है कि व्यक्ति तक सीधा लाभ पहुंचे, बीच में किसी प्रकार के बिचौलिए ना हों, उसी प्रकार विकास के तारतम्य में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो एक जबलपुर को नई दिशा, अच्छी दिशा और एक नई तस्वीर के रूप में भविष्य के लिए उकेरेंगे, उसके लिए हम मतदाताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निकले हैं। मदन महल क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी सम्माननीय विशाल दत्त जी के साथ हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। हम सभी को सम्माननीय मतदाता बंधुओं का अपार जनसमर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी विशाल दत्त ने लोगों से कहा कि वो सही प्रत्याशी का आकलन कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।